उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक है। और आज है संडे, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं कोटा वाले को 6:15, मतलब 6:15। तो 6:15 हो गया है और मैं देखिए क्या बना रही हूँ। तो ये पोहा मैं इस तरह से बनाती हूँ, इसको चिबड़ा भी बोलते हैं, जो नमकीन टाइप का होता है ना, वही बना रही हूँ। तो पहले ऐसे जो पोहा होते हैं, पोहा को इस तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद अभी कुछ नहीं डाला है, तेल वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई करने के बाद मैं जो मूंगफली होते हैं उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद मैं तेल डालूँगी कढ़ाई में, और तेल में जीरा और जो सरसों होता है, सरसों साबुत जीरा, सरसों और कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और थोड़ा सा हरी मिर्च भी डालूँगी मैं इसमें। तो वो सब डाल के अच्छे से फ्राई करके फिर मैं, और थोड़ा सा हल्दी नमक सब कुछ डाल दूँगी। उसके बाद ये जो पोहा है जो मैं फ्राई कर रही हूँ अभी, इसको डालूँगी, और जो और मूंगफली जो मैं फ्राई करूँगी अभी उसको भी मैं डालूँगी। तो इस तरह से मैं बना के रखती हूँ, स्टोर करके रखती हूँ, और अच्छे से रह जाता है। आप जितने दिन चाहे स्टोर करके रख सकते हो, जैसे एक हफ्ता हो गया, फिर 10-15 दिन, इस तरह से आप फ्राई करके रख सकते हो और कभी भी खा सकते हो। तो इसका रेसिपी मैं डिटेल में दे चुकी हूँ, मेरे चैनल में है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और अभी मैं ये बना लेती हूँ, इसके बाद सोच रही हूँ कुछ पकोड़े बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड आज तो घर में है, टाइम नहीं मिलता है वैसे शाम के टाइम एक साथ कुछ भी खाने का। चाय वैसे हम लोग पी चुके हैं और अर्पित अभी सो रहा है। आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का जो बटन आएगा उसको ज़रूर प्रेस कर देना, तभी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले वीडियो आप देख पाएंगे। लग रहा है बारिश होगा, बाहर इतना अंधेरा हो गया है और आसमान में पूरा अंधेरा सा हो गया है, लग रहा है बारिश होगी, तो अच्छा ही है अगर बारिश होता है तो। इतना ज़्यादा भयानक वाली गर्मी है ना, तो बारिश हो जाएगा तो थोड़ा सा राहत मिलेगी सबको। और ये देखिए मैं मूंगफली को अभी फ्राई कर लेती हूँ, इसमें मैंने तेल वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस ऐसे ही मैं फ्राई कर लेती हूँ, और इतना सारा नहीं चाहिए, बस ऐसे कच्चा रखेंगे ना तो ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं सबको फ्राई करके ही रख रही हूँ। कतटा छिल एटा 250 ना 500, आधा किलो। मेरे हस्बैंड मेरे हेल्प कर रहे हैं यहाँ, जो प्याज और लहसुन चाहिए मुझे वो अभी मेरे काम में लगे हुए हैं, तो लहसुन और प्याज का छिलका उतार रहे हैं, बस इतना ही हेल्प कर रहे हैं, यही बहुत है ना। लहसुन का छिलका उतारने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर गर्म पानी में लहसुन रख देते हैं ना तो अच्छे से उसका छिलका भी उतर जाता है, लेकिन अभी मैंने गर्म पानी नहीं किया है। घर में आज है तो इनको भी थोड़ा सा मैं काम दे दूँ, थोड़ा सा ये भी काम कर लेंगे मेरे साथ। अर्पित हो रहा है, नहीं तो अभी पूछने आ जाता है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बहुत क्वेश्चन करता है अभी। हूँ दोपहर में, वैसे वो खाना खाने के बाद ही, लंच करने के बाद ही सो जाता है, लेकिन आज पापा है घर में, पापा के साथ मस्ती में लगा हुआ था और सोया नहीं था, लेकिन थोड़ी देर पहले सो गया, तो थोड़ी देर और सो जाए, नहीं तो अभी उठाएंगे ना तो चिड़चिड़ करेगा पूरा, अभी रात भर चिड़चिड़ करते रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलो सो जाए, सोता है तो सोने दो, मैं तब तक ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद जब उठेगा तो उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाना है। ये देखिए मैंने पोहा और ये है चना और मूंगफली, सबको मैंने फ्राई कर लिया है, और चना ना ये फ्राई किया हुआ ही था पैकेट में, तो मैंने थोड़ा सा इसको और 2-3 मिनट के लिए
कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर लिया है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी बने। और जो पैकेजिंग हुआ रहता है ना तो थोड़ा सा नरम भी पड़ जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको भी फ्राई कर लिया है। और अभी मैं पोहा को इस तरह से देखिए, जो भी मैंने मसाला डाला है जैसे अदरक प्याज लहसुन और थोड़ा सा मैंने काला राई डाला है, जीरा और थोड़ा सा हरी मिर्च सबको और नमक हल्दी सबको डाल के मैंने ये देखिए सबको फ्राई कर लिया है। और इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी तो ये एक हफ्ता तक चल जाएगा हमारा, इसीलिए मैंने इस तरह से बना के रख दिया है ये देखिए। तो अभी वो सब करने के बाद मैं यहाँ पर आलू लिया है यहाँ पर मैंने, और आलू का मैं पकोड़े बनाऊंगी। तो आलू को मैं छील के अच्छे से वॉश करके फिर मैं कद्दूकस कर रही हूँ। तो दो आलू लिया है मैंने और एक मीडियम साइज़ का प्याज, और सबको मैं कद्दूकस कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और काला जीरा, और यहाँ पर मैं डालूँगी अभी नमक और बेसन, ये सब डाल के मैं बना लूँगी एक डो जैसा। और इसमें पानी नहीं चाहिए क्योंकि आलू में से ना पानी बहुत सारा निकल जाता है, तो इसमें पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना चाहिए, तो इसी से ये अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए मैं बेसन डाल के इसको बना लेती हूँ। और आप लोग चाहे तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, और हरी मिर्च भी डाल सकते हो, धनिया पत्ते भी डाल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास धनिया पत्ते हैं नहीं तो मैंने नहीं डाला। और मैंने मिर्च का जो हरी मिर्च होता है वो इसीलिए नहीं डाला अभी क्योंकि मैं अर्पित के लिए दो चार निकाल लूँगी, उसके बाद मैंने हरी मिर्च नहीं डाला था, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और बना लूँगी। तो ये देखिए मैं अभी बना रही हूँ और चम्मच की मदद से मैं इस तरह से डाल देती हूँ। और मैं जो तेल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर वो है रिफाइन ऑयल, तो उसी से मैं तल लेती हूँ पकौड़े। और अभी ये देखिए अभी मैं इसमें डाल देती हूँ लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद सबको मैं मिला लेती हूँ और धीमी गैस पर मैं ये पकौड़े तलूँगी। पकौड़े तलने टाइम ना गैस को धीमी कर देते हैं तो पकौड़े के टेस्ट दुगना बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर गैस को हाई करके पकाएंगे तो ऊपर से एकदम से जल जाएगा, लगेगा कि पक गया है, लेकिन अंदर से एकदम ही कच्चा रहेगा और टेस्टी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो धीमी आंच पर थोड़ी देर टाइम तो लगता है लेकिन अच्छे से बन जाता है और क्रिस्पी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना, इस तरह से सच में बहुत टेस्टी बना था। और धनिया के पत्ते की चटनी से ना ये और भी टेस्टी लगता खाने में। मैं बोल रही थी ना बारिश हो गई, देखिए बारिश आ गया, बहुत जोर से बारिश आया है और बारिश में पकोड़े बहुत अच्छा लगेगा, तो अच्छा ही हुआ बारिश हो रहा है और थोड़ा सा गर्मी भी कम हो जाएगा अभी। अभी मैं सभी पकोड़े को फ्राई कर लेती हूँ। और अर्पित और उसके पापा ना बार बार आ जाते हैं और मुझे पूछते हैं कि क्या कितना बना है, कितना हो गया क्या। तो जितना एक बार मैंने बनाया था तो अर्पित ने देखिए खा लिया है, अर्पित और उसके पापा दोनों ने मिलके, और दो चार ही बच्चे हैं। और उसके बाद ये सारा मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर हम लोग एक साथ बैठ के खाएँगे। तो ये देखिए मेरा जो आलू का पकौड़ा है वो सब रेडी हो गया है और मैं यहाँ पर सॉस के साथ खा रही हूँ। धनिया के पत्ते होते तो मैं उसकी चटनी बनाती। और ये देखिए अर्पित भी, अर्पित पहले खा चुका था तो अभी मैंने बोला, एक बार बोल दिया कि इसमें मिर्च है तो नहीं खाने के लिए मांग रहा है, नहीं तो जिद कर रहा था कि और भी चाहिए, इन बच्चे को ये सब ज़्यादा नहीं दे सकते हम लोग। तो उसके पापा के साथ बस दो तीन खाया था वो भी, और बाकी उसके पापा खा लिए थे। इसके बाद मैं आप लोग के सीधा मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर, अर्पित उठ गया था तो मैं यहाँ पर बेड को पहले सही कर लेती हूँ। और मैं सिर्फ ब्रश की थी और कोई भी काम नहीं हुआ था मेरा, और मैं फ्रेश भी नहीं हुई थी, बस सुबह उठी थी तो अर्पित भी उठ गया था, एक साथ हम तीनों ही उठ गए थे।
तो सुबह का टाइम हो रहा है तो पहले मैं बेड को ही सही कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि कर लूँ पहले यही, और आज का रूटीन मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है, नहीं तो अर्पित पहले नहीं उठता है, सारा काम मेरा हो जाता है। मैं नहा भी चुकी होती हूँ और आधा ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ हम लोगों के लिए, उसके बाद ही अर्पित उठता है, लेकिन आज पहले उठ गया तो थोड़ा सा रूटीन मेरा चेंज हो गया है। तो ये देखिए, पहले मैं बेड को सही कर लेती हूँ और फिर मैं जो भी काम होगा क्लीनिंग वगैरह वो सब करूँगी, पहले चाय पीऊँगी। तो किचन का जो क्लीनिंग होता है ना, तो वो मैं रात में ही कर चुकी थी, तो बस थोड़ा सा किचन में थोड़ा सा एक बार और पोछा लगा दूँगी गैस ओवन पर, और फिर मैं चाय वाय बनाऊँगी, अर्पित के लिए खाना बना लूँगी। गुड मॉर्निंग, आज है सोमवार और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अर्पित पहले ही उठ गया है हम लोगों के साथ ही। अभी तक मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ, सिर्फ मैंने ब्रश व्रश किया है, लेकिन ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया है, क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है और मैं चाय भी नहीं पी। तो अर्पित उठ गया था हम लोगों के साथ ही, तो मैंने सोचा कि चलो बेड को भी सेट कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद जो भी काम है वो सब मैं करूँगी। अभी मेरा काम कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और पूरी रात ना बारिश हुई थी, तो बहुत अच्छे से मतलब मौसम एकदम से चेंज हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। पहले चाय बना लेती हूँ, चाय पीती हूँ, अर्पित को खाना खिलाऊँगी, उसके बाद ही काम पे लगूँगी, क्योंकि किचन का तो मैं क्लीनिंग करके ही सोई थी रात को, बस एक बार पोछा लगा दूँगी, क्योंकि गैस ओवन ये सब मैं एक बार फिर से क्लीन कर लूँगी, और फिर अर्पित के लिए और हम लोगों के लिए चाय बना लूँगी और अर्पित के लिए कुछ खाना बना लूँगी, क्योंकि अर्पित जब सुबह उठ जाता है ना तो भूख लग जाता है बच्चे को, आप लोगों को तो पता ही है, तो पहले मैं उसको खिला दूँगी, उसके बाद ही जो क्लीनिंग वगैरह है वो सब करके फिर मैं फ्रेश हो जाऊँगी। तो आज का रूटीन मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि अर्पित पहले उठ गया है और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पिया है, और अर्पित को वैसे चाय पीने की उतना आदत मुझे है नहीं, लेकिन हस्बैंड पीते हैं और सुबह के टाइम मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ, शाम में उतना मुझे चाहिए नहीं होता है चाय। तो अभी मैं चाय बना लूँगी और अर्पित के लिए कुछ खाने के लिए बना लूँगी। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।